इंस्ट्रूमेंट यस यस सर चेहरा भी देखना चेहरा यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कम क्लोज मैम आप भी आइए थोड़ा साथ में ना सर आप थोड़ा दूर हो रहे हैं सुनो भाई अंदर आ जाइए आ जाइए कोई बात नहीं थैंक यू करिए क्लैप करिए क्लैप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ओके सर थैंक यू या लुक या लुक या ओके ओके थैंक्स सर यस ये 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 वाला सेकंड लुक या मैं स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू थैंक यू सो मच ये जो कहानी है एक लड़की पे है जिसका नाम अमेरा है जो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ती है और किसी से प्यार करती है लेकिन अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो उसे छोड़ के आगे निकलती है। फिर लेटर ऑन दोबारा इससे मुलाकात करती है किसी पार्टी में और फिर से वो अट्रैक्ट होती है उस पर और उसे अपनी तरफ लाने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन वो लड़का इसे थोड़ा भी मतलब इग्नोर करता है इसे हर बार। और जब ये थक हार जाती है तो किस तरह ये कुछ लोगों के साथ मिल के षड्यंत्र करती है इसे मारने का इस पे बाकी आगे का मैं बोर नहीं बोलूँगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो भी है तो बस थैंक यू सो मच यही था क्लैप कर दीजिए थोड़ा नर्वस हो क्लैप कर दीजिए थैंक यू सो मच साहिल भाई यहाँ पे आए काम कर चुका हूँ बहुत इनके साथ में इज अ वेरी गुड एक्टर सुपर्ब एक्टर आपने भी देखा होगा इनको काफ़ी सारे शोज में फिल्म में एंड थैंक यू सो मच सचिन तेंदुलकर है यहाँ पे शब्दों में ही रिश्की शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ है तो रिश्की इश्क है तो आप लोग दुआएं दीजिए आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हमारा फिल्म जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़े और सब चीजें अच्छे से हों बस यही आप लोगों से मैं चाहूँगा थैंक यू एक बार वाइड एंड हो गए थे ओके डन वेट 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 डन लोग वेट 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 लुक हियर लुक सेंटर एक मिनट में हम लोग कितना सेंटर ले रहा भाई एक मिनट में रुक जाओ एक मिनट मैंने लिए नहीं पांच आदमी का फोटो ले डायरेक्टर साहब बोलेंगे हम ही बोलेंगे सर थैंक यू भाई ये हमारा टाइटल है रिस्की इश्क सॉरी मैं पीछे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती किसी का बुरा मत मानिएगा और इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर बेस्ड है लव स्टोरी पे बेस्ड है बेसिकली जो जिंदगी हमारी लाइफ में जो रोज़मर्रा में होता रहता है अपने जो पार्टनर्स में जो थोड़ी कला हो जाती है उस पर बेस्ड एक हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोड्यूसर उसकी हैं प्रीति जी और ये सब साहब सुनील भाई एक्टर हैं सर आप चलना होगा क्या बेसिकली रोल आपका है और इस रोल को लेकर कितने उत्साहित हैं और कितना ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा ये रोल उत्साहित तो मैं बहुत हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है इस शो में वेब सीरीज़ में काम करने का प्रीति मैम का एंड अभिषेक जी का शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड मेरा इसमें रोल सुमित का है जो अमेरिका का लव इंटरेस्ट है यू नो और अमेरा जो है वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए यू नो सुमित को छोड़ देती है कुछ साल पहले दोबारा वो सुमित से किसी पार्टी में मिलती है और उसके बाद उसे फिर से इसकी तरफ यू नो इंटरेस्ट बढ़ता है और फिर इसके साथ रिलेशनशिप करने को देखती है ये लेकिन ये ऑलरेडी किसी और के साथ में लेकिन रिलेशनशिप में है सुमित और अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है ये और ये पूरी कोशिश करती है इसे अपनी तरफ खींचने के लिए लेकिन ये हमेशा इसे इग्नोर करता है और किस तरह गुस्से में आकर फिर लेटर ऑन कुछ लोगों को ले के ये किस तरह इसे यू नो बर्बाद करने के लिए लिख देती है और आखिरी में शायद मारती भी है या नहीं मारती है ये जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा दैट्स इट इसको ये चैनल से रिलीज करेंगे हम सिनी बॉक्स चैनल है वहाँ से रिलीज करेंगे इस प्रोजेक्ट को इस मूवी को हम बनाने के लिए
सिनेबॉक्स प्राइम से चैनल लॉन्च करेंगे। हाँ, इस चैनल से इनको लॉन्च करेंगे सिनेबॉक्स प्राइम से। कभी टाइम रिलीज होगा? इसी महीने के लास्ट तक। ये महीने के लास्ट तक। और एक क्लियरली कुछ चीज़ें बोल दीजिए। थैंक यू। एक चीज़ बोल दीजिए ना पूरा। रेडी? ये सब में बोलिए। एक दो महीने में एक और दो प्रोजेक्ट रिलीज कर रहे हैं हम लोग, उसे भी मैं और अभिषेक जी दोनों मिलकर रिलीज करेंगे। और ये एक महीने में हो जाएगा? एक महीने में हो जाएगा। एक्चुअली मूवी रिलीज कर रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली एक न्यू बेस के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। जैसे जितने हमारे कमर्स होते हैं, राइट कमर्स होते हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता, उनको मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी स्टैंड करें, उनको भी स्टैंड करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। अभी हम एक स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, इसका अगर ये सक्सेस रहा तो हम इसका स्टेप स्टार्ट करते रहेंगे और नए चेहरों को हम दिखाते रहेंगे। यही हमारी भावना है। इसके अकॉर्डिंगली हम भी आगे बढ़ें और हमारे मीडिया में सिर्फ ओनली सिर्फ सलमान खान को ना जाने, उस जैसे बहुत से लोग आए जिनको लोग जाने, बहुत से करेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर कि जिनको लोग पहचान नहीं मिल पाती, स्टेज नहीं मिल पाता। तो हमारी कोशिश यही है कि उनको एक स्टेज दें, एक मुकाम दें कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। उनके साथ हम भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं, हम भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे साथ में। तो हमारी भावना यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका। क्योंकि हमने अभी एक स्टेप स्टार्ट किया है, इसका फिर नेक्स्ट मंथ फिर हम स्टार्ट करेंगे एक दो मूवीज़ के साथ, हो सकता है सीरियल्स के साथ भी स्टार्ट करें, कोई मूवीज़ करें। यही है बस इसके लिए, और कुछ नहीं। इसके निर्माता जी आपकी प्रीति अभिषेक झा जी हैं, एंड इसके एक्टर जो हैं हमारे करीबी दोस्त और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, और कमाल के एक्टर हैं, तहलका मचा देते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो आप लोगों से दुआएं, फिल्म देखिए और दुआएं दीजिए सर। सर बहुत अच्छी टीम है, और मैं अभी एक्चुअली मैं सीरियल कर रहा था अभी से, और सर के साथ मिला हूँ, तो अभी फिल्म में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो आगामी इनकी जो फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, उसमें मैं अभी आने वाला हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक इस टीम को कर रहा हूँ कि जितना ग्रो करेगी हम लोग भी ऑब्वियसली उतना ही ग्रो करेंगे इनके साथ में। स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा प्रीति मैम को, जो उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ जोड़ा, और मैं भी मैम के साथ इस फिल्म में एक अच्छा सा कैरेक्टर करूँगा, और धन्यवाद दूंगा मैम। स्पेशल थैंक्स मैम। जी, जो मेरा किरदार है इस वेब सीरीज़ में, एक ऐसी महिला का है जो अपनी शर्तों पे जीना चाहती है अपनी ज़िंदगी, और तो इसी के ऊपर है वो किस तरह से अपनी डील करती है लाइफ में अपने सिचुएशन से। बट वो साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी चीट कर रही होती है, जिसे जो उसे लगता है कि ये मैं सही कर रही हूँ। तो इस तरह का किरदार है मेरा। जो निर्माता वो भी महिला है, कितना अच्छा होगा एक साथ काम करना। जी, बहुत अच्छा है। आपके बारे में जानना चाहती हूं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, एक्टिंग बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या करने वाले इसके अलावा? इसके अलावा मेरे दो म्यूजिक वीडियोस अभी रिलीज होने वाले हैं, साहिबा और रोना छोड़ दिया, और अदर देन दिस दो और अभी शूट करने वाले हैं हम लोग, और एक वेब सीरीज मैंने पहले ही की थी हिंदी में ही, और बाकी मूवीज़ का एंड फिल्म्स का भी आगे है। और इसके अलावा मैंने पहले साउथ में डेब्यू किया था विद प्रस्थानम फिल्म, और भी काफ़ी मैंने तेलुगु फिल्म्स करी है, बट अभी यहाँ पे हिंदी के उस पर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ही बोल। जी, इनसे तो मैं अभी मिली थी जब हम लोग साइनिंग के लिए गए थे, तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, अभी हम लोग साथ में काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्रोफेशनल है, काफ़ी काम कर चुकी है, मैं जानता हूँ इनको, और बस मज़ा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और बस वही इम्पोर्टेंट है। एंड ऑन सेट हार्डवर्क करेंगे, बस इम्पोर्टेंट नहीं कि हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ सर, बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है, इन लोग अच्छे मेहनत करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट मंथ तक प्रोजेक्ट रिलीज कर देंगे, इसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं।
थैंक यू सो मच. मेरा नाम सनी है, मैं सिनेबॉक्स प्राइम चैनल से हूँ, मैं क्रिएटिव हेड हूँ. हाय माय नेम इज़ किया एंड वी आर फ्रॉम चैनल और आवर चैनल नेम इज़ सिनेबॉक्स प्राइम. माय नेम इज़ साहिल एंड आई एम फ्रॉम सिनेबॉक्स एंड आई एम जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एट सिनेबॉक्स. हम बिल्कुल यूनिक टाइप के कंटेंट्स चाहते हैं अपने चैनल के लिए, बिल्कुल बोल्ड वल्गर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते और यूनिक हो, एंटरटेनिंग हो. कहते हैं ना फिल्में तीन चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. बस वही है, इंसान को इंटरेस्ट आएगा वो आगे भी देखेगा, बस वही है हमारा. तो ये वेब सीरीज के बारे में आपको कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या आपको ज़्यादा पसंद है? आपने कंटेंट पढ़ा होगा, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो आप ये वेब सीरीज आप अपने इसमें रिलीज करने वाले जी? वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि हम कौन कौन से वेब सीरीज़ या वेब फिल्म हमारे चैनल पे लेके आने वाले, लेकिन हाँ आपको अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ वेब फिल्म और फिल्म जो है हमारे चैनल पे मिलेंगी. सर पहले तो थैंक यू सबको, आपको मीडिया को, कि आप इस मौजूद में पहुँचे और अपना कीमती वक्त दिया. मुझे बुलाया, मैं एज ए ईपी वर्क करता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. अभी अर्थ करके मूवी आ रही है जो मैंने की है, राजपाल यादव और रूबीना दिलेक, और मुझे बुलाया मेरे भाई ने, तौसीफ ने, राइटर, और ये आमिर है, अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है. तो तौसीफ साहब बताइए कैसा लिखा आपने, कुछ सीन्स बताइए इसके. सीन्स जो भी है अच्छा ही है, अपना रिस्की इश्क जो भी वेब सीरीज है, दो एपिसोड है सिनेबॉक्स प्राइम के लिए, सस्पेंस थ्रिलर बेस्ट स्टोरी है. सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा, और सबसे पहले थैंक्स फॉर प्रीति जी जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में एज एन एक्टर वर्क दिया है. और ये स्टोरी बहुत अच्छी है जो तौसीफ जी ने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छी स्टोरी है. बस हाय गाइस, मेरा नाम विपिन सिंह है और मैं भी एक्टर हूँ, और इस वेब सीरीज के अंदर इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, और आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, इस वेब सीरीज जैसे बनती है तो आप लोग जरूर देखिए और लोगों को आप भिजवाइए. थैंक्स फॉर एवरीबॉडी, थैंक्स टू एवरीबॉडी, एंड आई एम फ्रॉम मास्कॉट पिक्चर्स, आई एम प्रोड्यूसर आल्सो. And this movie is like loving, very good movie is this one. Because we are always watching that action, fighting, different, just only love, love and love. Very nice movie is this one. Thank you. ये मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग सब देखिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बस यही कहना चाहूँगा. आप लोग सब लोग देखिए, एंजॉय करिए और प्यार दीजिए अपना. निर्माता के बारे में, निर्देशक के बारे में भाई कैसा है कि हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. बना तो बहुत कुछ, बहुत बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे समझ लो दुनिया में बहुत प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उसको अंजाम तक ले जाना, वहाँ पर पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ है. और मैं उन सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, स्पेशली जो बैक स्टेज में मेहनत करते हैं, अपने कैमरा आर्टिस्ट, अपने लाइट दादा, अपने स्पॉट दादा, जो इतनी मेहनत करते हैं, जिनकी वजह से ये जो शो, आप जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो, वो प्रोजेक्ट चलता है. सो मैं सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है. उसके बाद आते हैं जो प्रोड्यूसर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने पैसे लगाए हैं, भगवान करे उनको इतने पैसे मिले इस प्रोजेक्ट से कि वो आगे दूसरे प्रोजेक्ट कर पाए. बिल्कुल बिल्कुल, ताकि अपने जो एक्टर भाई लोग हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, उनको सबको काम मिल सके, क्योंकि ऐसे लोग अगर खड़े नहीं रह पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हमारे जैसे एक्टर जो आज किसी मकाम पे पहुंच चुके हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे और प्रोड्यूसर लाइफ में जुड़े, और प्रोड्यूसर आए, जिनकी वजह से हमारा ये इंडस्ट्री टिका हुआ है. वो सारे लोग जो प्रोड्यूसर बने हुए हैं, छोटे से छोटा इंसान भी जो पैसा डालता है, अपना 1,000 रुपया भी डालता है, वो भी प्रोड्यूसर है मेरे हिसाब से. तो मुझे लग रहा है कि इन सभी लोगों के लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए, मुझे उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, जिसने 1,000 रुपये भी डाले हैं अपने, वो भी बहुत मायने रखता है. दूसरी बात, इसके बाद आते हैं डायरेक्टर, जो कि पूरे जहाज़ को, पूरे शिप को वो आगे लेके चलता है.
उनको मैं इतना धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, क्योंकि वो शिप का वो बहुत बड़ा कैप्टन है, और अगर ये कैप्टन हमें इस शिप को आगे लेके नहीं जाएगा तो ये शिप पहुँच नहीं पाएगा। तो इसके पीछे जो जो लोग जिम्मेदार है, जो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार, मतलब ऐसा है कि प्रोजेक्ट तो बना लेते बहुत सारे लोग लेकिन आगे लेके नहीं जा पाते, रिलीज़ हो गया बहुत बड़ी बात है, मैं उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। प्लीज़ यार सब लोग तालियां बजाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हो जाए बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं काम कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट में। नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना। अच्छा, मेरा नाम सोनम राघव। हाँ बोल तो रही हूँ। हाँ, नाम है मेरा सोनम राघव, इसमें मैं आर्टिस्ट हूँ, तो इसमें काम कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है बहुत, और मैं कुछ क्या बोलूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता। माय नेम इज़ प्रिया सक्सेना एंड मैं तो अभी न्यू ज्वाइन हुई, तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, आगे पता चलेगा। बाकी तो बट स्टार्टिंग से लग रहा है, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी सबके लिए थैंक यू सो मच, सबने इतना मतलब साथ दे रहे, इतने हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में। थैंक यू टू ऑल।